गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया डाउट लेके आया हूं, एक नया टॉपिक लेके आया हूं। मुकेश, मिस्टर मुकेश ने मुझसे कुछ दिन पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछा था। मुकेश और एक दो व्यूअर ने भी कहा है मुझे, उनका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सर, इंग्लिश में जो फिलर्स होते हैं, फिलर्स के फिलर से संबंधित एक वीडियो बनाइए। तो ये दोस्तों, फिलर्स क्या होते हैं और फिलर्स क्या काम आते हैं इंग्लिश में, तो चलो समझते हैं कि फिलर्स का इंग्लिश स्पीकिंग में क्या रोल है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको समझाऊं कि फिलर्स जो होता है, इसका अगर हिंदी में अनुवाद करें तो ये होता है भरने वाला। तो जब हम लोग सामने वाले से बात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते समय हमें अचानक सेंटेंस याद नहीं आते, हमें जवाब याद नहीं आता है, और हम सामने वाले को क्या जवाब दें ये समझ में नहीं आता है। तो इस गैप को भरने के लिए हम अपने हिसाब से बहुत सारी चीज लगाते हैं, जैसे यू नो, यू सी, एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, या तो ये इस प्रकार की कुछ ऐसी बातें होती है, ये बोलकर उस गैप को हम लोग भर देते हैं, और तब तक हम लोग सेंटेंस का जवाब सोच लेते हैं और फिर उसको हम लोग जवाब देते हैं। तो ये जो हमने जो अनवांटेड वर्ड बोला, जो एक्चुअली अनवांटेड नहीं है, लेकिन वो सेंटेंस या आंसर से रिलेटेड नहीं था, लेकिन हमको जवाब याद नहीं आ रहा था, इसलिए हमने सोचने के लिए तब तक के लिए हमने यू नो, यू सी, या हाउ कैन यू से, आई डोंट बिलीव, और सामने वाले से फिर से क्वेश्चन चालू कर देते हैं ताकि हमको तुरंत याद आ जाए कि हमने उसको क्या जवाब देंगे। ये फिलर होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि इंग्लिश में या हिंदी में भी फिलर होते हैं। हम लोग को कोई जवाब नहीं आता तो हम लोग कुछ बोलते हैं, यूं, अरे यार, अरे यही होता होगा यार, तुम्हें तो पता है यार, तुम तो जानते हो सब, मुझसे क्या पूछ रहे हो, अब क्या कहूं मैं। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हम लोग हिंदी में भी कहते हैं, वो इंग्लिश में भी होता। तो फिलर्स कोई फिक्स वर्ड नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि ये ही फिलर माने जाएंगे। तो फिलर का मतलब यह है कि जवाब देने के पहले आपको कुछ कह देते हैं, वही फिलर है। तो आज मैंने कुछ फिलर निकाल के लाया हूं जो बहुत ही सिलेक्टेड फिलर से, जिसका मोस्टली हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तो प्लीज बेयर विथ मी और बी विथ मी टिल एंड। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। फिलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और टू बाय द टाइम, और टिल देन वी थिंक ऑफ आर आंसर्स एंड जस्ट वी रिप्लाई टू हिम और हर, वॉट एवर, हूएवर बिफोर अस। तो दोस्तों, समझते हैं, फिलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो मैंने कुछ फिलर लिख के रखा है। सबसे पहले मैं सेंटेंस फिलर्स को बताने के पहले मैं आपको कुछ समझाऊंगा कि फिलर्स का आखिर हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं और क्या होता है। तो दोस्तों, फिलर्स द गैप बिटवीन क्वेश्चन एंड आंसर, मैंने आपको बताया। जैसे किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं टीचर हूं, किसी ने मुझसे अचानक क्वेश्चन किया, मैं क्लास ले रहा था, मुझसे उन्होंने अचानक क्वेश्चन कर लिया कि सर, राम जोरू का गुलाम है, इसको कैसे गुनेंगे। अब मुझे, मैं क्लास में बिजी था या पता नहीं, मैं, मेरा ध्यान कहीं और था, मुझे अचानक याद नहीं आया। जैसे मैंने अभी बोला, मैंने, ये भी एक फिलर है दोस्तों, क्योंकि मुझे अगला सेंटेंस मैं आपके सामने क्या बोलूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने बोल दिया, इस फिलर। तो राम जोरू का गुलाम है, तो मैंने कहा कि राम इस, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आई मीन फिर अचानक याद आ गया, अ हैंडपेक्ड हस्बैंड। तो आई मीन यहां पर फिलर हो गया। फिर इसको दूसरे तरीके से मैं बोल सकता हूं, राम इस एक्चुअली अ हैंडपेक्ड हस्बैंड, या राम इज वेल अ हैंडपेक्ड हस्बैंड। तो ये सारे फिलर है, मुझे ये याद नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको याद करने तक मैंने जो मैंने अ बोला, मैंने आई मीन बोला, एक्चुअली बोला, वेल बोला, और रामिस यू नो लाइक, अब मेरे को हैंडपेक्ड हस्बैंड भी याद नहीं आ रहा, हैंडपेक्ड हस्बैंड भी मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं बोलूंगा लाइक अ स्लेव ऑफ वाइफ, पत्नी का गुलाम, अ स्लेव ऑफ वाइफ मैंने ये बोल दिया, सर्वेंट ऑफ वाइफ मैंने ये भी बोल दिया कि पत्नी का नौकर, ताकि उसको सब्स्टिट्यूट वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। तो ये भी हम लोग काम चलाने के लिए बोल देते, भैया ये है,
मैं बाद में तुम्हें डिक्शनरी कंसल्ट करके मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों ये तो एक एग्जाम्पल था कि हमने ऐसे फिलर्स का एग्जाम्पल हमने लिया। जैसे किसी ने मुझे बोला कि सर खाना बासी है, खाना बासा है, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? तो यू नो फूड इज यू नो स्टेल, स्टेल STLE, फूड इज व्हाट टू से, फूड कुक्ड समटाइम एगो। अब मुझे स्टेल याद नहीं आ रहा तो मैं क्या बोलूंगा, समटाइम एगो व्हाट टू से, अरे क्या कहें यार, क्या कहें उसे, फूड कुक्ड समटाइम एगो, व्हाट वी से, बासा, बासा, ओ या चलो अब फिलहाल तुम बासा से काम चला लो, बट या स्टेल, स्टेल ये स्टेल होगा। तो ये जो हम लोग अपने गेव को फिल करते हैं वहां पर कुछ वर्ड लगा देते हैं जो हमारे आंसर से रिलेटेड नहीं होता, वो फिलर होता है। मैंने बहुत सारे फिलर लिख के रखा है दोस्तों, एक एक हम लोग डिस्कस करते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करना ये सोचते हैं। यू सी यू नो के जैसे होगा दोस्तों। आप लोगों ने कई लोगों के स्पीकिंग करते सुना होगा, यू नो हमेशा करते रहते हैं दोस्तों। फिलर्स का ज्यादा इस्तेमाल करना हमारे इंग्लिश को अनइम्पॉर्टेंट बना देगा। तो फिलर्स का इस्तेमाल वहीं करें जहां बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू सी इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, यू नो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, यू सी यू शुड लर्न इंग्लिश, एवरीबडी शुड लर्न इंग्लिश, यू सी, ये हम लोग ऐसे बात करते हैं। डोंट टेल मी, मुझे मत सिखाओ बेटा, मुझे मत सिखाओ, डोंट टेल मी, किसी ने कुछ कहा और आपको जम नहीं रहा है और उसको कैसे जवाब दें ये नहीं समझ में आ रहा, आप बोलेंगे डोंट टेल मी, डोंट टेल मी, आई नो इट प्रॉपरली। तो तब तक हम लोग ये शब्दों का इस्तेमाल करके उसकी बोलती बंद कर देते हैं, उसको स्पीचलेस कर देते हैं, उसको चुप कर देते हैं। और डोंट टेल मी व्हाट यू आर टॉकिंग, क्या बात कर रहे हो यार, मुझे 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 सिखा रहे हो, मुझे सिखा रहे हो बेटा, मुझे, डोंट टेल मी। वाओ, अब किसी ने, तुम्हारे दोस्त ने एक महंगा मोबाइल खरीदा और तुम्हें बता रहा है और तुम्हें लगता है कि ये बंदा कभी खरीद ही नहीं सकता इतना महंगा मोबाइल, वो कह रहा है देख महंगा मोबाइल खरीदा। अब आप उसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप कैसे जवाब दें, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दें, आप कह रहे वाओ वाओ व्हाट ए नाइस मोबाइल, बड़ा अच्छा मोबाइल है, आई कांट बिलीव इट। फिर बाद में आप जवाब सोच ली, फिर उसको एक अच्छा सा जवाब दे देना जिससे आपका दोस्त भी खुश हो जाएगा, बेटा पार्टी चाहिए हमको, तो वी वॉन्ट अ पार्टी, हमें तो पार्टी चाहिए, कहते हैं ना आप ऐसे। वेल दोस्तों, वेल बहुत ही कॉमन फिलर है, स्पीकिंग करते समय मोस्टली हम लोग वेल से सेंटेंस शुरू करते हैं। जैसे आपको खड़े कर दिया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, तो आप खड़े होते वेल वेल माई फ्रेंड, यू नो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, इंडिया हैज मेनी प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज वन ऑफ देम, वगैरह वगैरह बोल के आप चालू करते हैं। तो वेल से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। वेल का यहां पर कोई मतलब नहीं है सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए, आपको वर्ड याद नहीं आता इसलिए आपने वेल का इस्तेमाल किया, वेल का फिलहाल यहां कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, हम लोग अच्छा भी कह सकते हैं, तो ऐसी बात है, ये कह सकते हैं हम लोग काम चलाने के लिए, बट उसका कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं है। बाय द वे अब सामने कोई तुम्हारा दोस्त आया, कोई व्यक्ति आया, अब उससे तुम बात करना चाह रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बात करें, बाय द वे क्या कर रहे हो आजकल, व्हाट आर डूइंग नाउडेज, बाय द वे, बहरहाल आजकल भाई क्या चल रहा है तुम्हारा, ऑक चल रहा है मत बोलना। तो ये एक हो गया बाय द वे, हम लोग बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली श्योरली सर्टेनली, आपने, आपके सामने किसी बंदे ने कोई बात बोली और आप उसके बारे में कोई सेंटेंस बना के नहीं बता पा रहे, तो आप कैसे, यस एग्जैक्टली, यस यस बिल्कुल श्योरली सर्टेनली, अरे यही बात तो मैं कह रहा था यार, यस सर्टेनली एग्जैक्टली बिल्कुल, किसी बात से आप सहमत हो रहे हैं, आपको बड़ा सेंटेंस बनाना नहीं समझ आ रहा है, तो आप बोले आई एग्री, बिल्कुल आई एग्री विथ यू, आई एग्री एट योर पॉइंट, बिल्कुल सहमत हूं, फिर वो बोलेगा, फिर वो सेंटेंस बनाएगा, उसके बाद आप सोच कर फिर बड़ा सेंटेंस बना दीजिएगा, तब तक तो काम चला लो भैया, याद ही नहीं आ रहा क्या करेंगे, आई एग्री, आई डिसएग्री, आई डोंट एग्री, ये भी फिलर है। यस हाउ कैन यू से, सबसे अच्छा फिलर दोस्तों, अब किसी ने आपसे क्वेश्चन किया, कोई बात बताई कि भैया वो कह रहा है कि कुछ कह दिया उन्हें ऐसी बात जो कि बड़ी आश्चर्यजनक है और आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप कह सकते हैं हाउ कैन यू से, उसी से क्वेश्चन मारो ना उसी के ऊपर, उसने एक
अस्त्र छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दीजिए। महाभारत और रामायण में हमने देखा है ना कि सामने वाला जो टीम है, टीम बोले क्या बोले, योद्धा, वो एक अस्त्र छोड़ता है, तो यहां से जो भगवान है वो ब्रह्मास्त्र निकाल के बड़ा वाला छोड़ देते हैं। तो सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन किया, आप बोले हाउ कैन यू से, कैसे कह सकते हो भैया इसे, फिर वो एक क्वेश्चन करेगा, फिर आप वो तब तक सोच लोगे, बोले अच्छा वो क्या ऐसी बात है, ठीक हो सकता भैया, हो सकता, ये फिलर, दिस इज द फिलर। हु टोल्ड यू, दोस्तों ये बड़ा कॉमन स्पीकिंग करते समय आप लोग जब पोडियम के सामने खड़े रहते हैं तो अधिकतर आप लोग मुझसे कहते हैं कि हु टोल्ड यू, किसने बताया तुम्हें। दोस्तों ये हिंदी का फिलर है, ये हिंदी का फिलर, आपको हिंदी में जो याद आता भैया किसने बताया यार, शाहरुख खान आ रहे हैं मालूम है कल, हु टोल्ड यू, किसने बताया तुमको, ये वाली बात आप इंग्लिश में कर देते हैं। तो ये आप काम चलाने के लिए उस समय कह सकते हैं, लेकिन हु टोल्ड यू का मतलब किसने बताया, हिंदी वाला है उसको आपने इंग्लिश में डाल दिया, किसने बताया। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि फ्रॉम वेयर यू कम टू नो, आपको कैसे पता लगा यार, फ्रॉम वेयर यू कम टू नो अबाउट दिस न्यूज, इस न्यूज के बारे में आपको कैसे पता चला, हु टोल्ड यू की अपेक्षा। लेकिन आप हु टोल्ड यू, आप हिंदी भाषी छात्र, आप हिंदी, मैं हिंदी, सभी हिंदी वाले, क्योंकि आप कोई नया वर्ड बोलोगे तो वो वैसे भी नहीं समझ पाएगा, इससे आपको बोलना पड़ेगा हु टोल्ड यू, किसने बताया भाई, मुझे तो पता चले। ओके, उसके बाद दोस्तों नो वे नॉट एट ऑल, कुछ शॉकिंग खबर मिली आपको, आपको पता लगा कि अरे मालूम है तुम्हारा वो दोस्त है ना, वो यही ही रेन अवे विद अ गर्ल, एक लड़की के साथ भाग गया। नो वे नॉट एट ऑल, हाउ यू से, मैं मान ही नहीं सकता वो भाग जाए, वो तो कभी लड़कियों से बात नहीं करता था, आज तक मैंने लड़कियों से बात नहीं करता हो देखा, वो भाग गया, नो वे, अनबिलीवेबल, भरोसा नहीं हो रहा यार मुझे तो, ब्ला 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 ब्ला। दोस्तों कई बार आपने सुना होगा लोगों से ब्ला 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 ब्ला, दोस्तों कोई अनइम्पॉर्टेंट बातें होती है, अरुचिकर बातें होती है, बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, आप पढ़ते 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 आप नहीं बोलना चाह रहे हैं, उसको हिडन रखना चाह रहे थे, आप बोल दीजिए ब्ला ब्ला ब्ला, कोई बड़ा कुछ बड़ा मैसेज है। देख मेरे दोस्त ने मेरे को एक मैसेज भेजा कि टुमारो आई विल मीट यू एंड वी विल गो देयर एंड ब्ला 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 ब्ला, आप वो बातें नहीं बताना चाह रहे, कुछ अरुचिकर बातें, कुछ बोरिंग बातें, तो आप वहां पर ब्ला 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 कर देते हैं। वैसे बहुत से लोग इस ब्ला 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 को गो सो ऑन भी समझते हैं, एटसेट्रा भी समझते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो बात आप बताना नहीं चाह रहे हैं, आप उसको अंडरस्टूड मान के समझ रहे हैं कि सामने वाला समझाएगा ब्ला 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 कर दो, ब्ला 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 समझ जाएगा वो, ये ब्ला ब्ला वहां यूज करेगा, ये भी फिलर है। दोस्तों नेक्स्ट आ गया रिपीटेड द क्वेश्चन, ये रिपीटेड द क्वेश्चन वाली बात जो है ये किसी के जैसे लग रहा, हाउ कैन यू से, जैसे किसी ने आपसे क्वेश्चन किया, कुछ बात बताई, तो उसने पूछा कि नाउडेज व्हाट आर यू डूइंग, आजकल भाई क्या कर रहे हो आप, नाउडेज व्हाट आर यू डूइंग, तो आप ऑल ऑफ सडन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या जवाब दें, तो आप फिर से क्वेश्चन कर सकते हैं उससे, ओके नाउडेज व्हाट आई एम डूइंग, यानी आजकल मैं क्या कर रहा हूं, अरे कुछ नहीं यार पढ़ाई कर रहा हूं और क्या करूंगा, नाउडेज आई एम स्टडिंग। तो जब आपको कुछ समझ नहीं आता आप फिर से क्वेश्चन कर सकते हैं, उसी का क्वेश्चन पकड़कर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ यही का यही क्वेश्चन मत करना, नाउडेज व्हाट आर यू डूइंग, आप ही कर दो नाउडेज व्हाट यू आर डूइंग, यार पहले तुम बताओ, आप भले उस पर ऐसा बोले कि नाउडेज व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं ना यार, पढ़ाई कर रहा हूं और क्या करूंगा यार, पढ़ाई नौकरी ढूंढ रहा हूं भैया, आई एम सर्चिंग अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब और क्या करूं, दैट्स ऑल, ये कर सकते हैं। रियली दोस्तों रियली होना चाहिए, रियली किसी ने आपको कोई शॉकिंग बात बता दी तो आप कह सकते हैं रियली इज इट, कैसा है आप, क्योंकि दोस्तों कोई अचानक क्वेश्चन आ जाता है तो शॉकिंग क्वेश्चन आ जाता है, आपका जवाब नहीं होता तो ये भी एक है रियली, सही कह रहे हो क्या, वास्तव में ऐसा है क्या, इज इट राइट, आप बड़ा वाक्य नहीं बनाना चाहते आप उसकी बात से सहमत हो रहे हैं, तो आई एग्री का ही भाई है ये, आई एग्री का ही जुड़वा भाई, आप कह सकते राइट राइट यू आर राइट, ये हुई ना बात, ये कहा तुमने, बिल्कुल राइट, ओ नो किसने बताया, यू नो दिस फादर इज नो मोर, ओ नो वेरी सैड न्यूज, बहुत ही बुरी खबर, उस समय हमारे पास जवाब नहीं हो पाता है, हम लोग कैसे जवाब दें क्या बोलें, ये फिलर है दोस्तों, ओ नो हम लोग कह सकते हैं,
दुख व्यक्त कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आपके चेहरे में दुख के भाव ही होना चाहिए। दोनों ऐसे कुछ आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं, वो आपको सोचना है। 17 नंबर में एनीवे आई कैन कम दैट डे, आई कैन कम दैट टाइम, इस टाइप की बात आप कर सकते हैं एनीवे लगाकर। एनीवे यू आर राइट, एनीवे आई विल मीट यू टुमारो। 18 नंबर, आर यू जोकिंग, मजाक तो नहीं कर रहे हो, आर यू जोकिंग, मजाक तो नहीं कर रहे हो भैया। उनने कुछ क्वेश्चन किया जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आर यू जोकिंग, आर यू ओके, तब तक आप निकाल दिए। 19, आई कांट बिलीव इट, मुझे भरोसा नहीं हो सकता भैया, मैं भरोसा कर ही नहीं सकता, आई कांट बिलीव इट, क्या बात कर रहे हो, आई कांट बिलीव इट, ये भी फिलर है, फिलर है, जवाब नहीं देना, फिलर है। 20, लेट मी थिंक, किसने क्वेश्चन किया यार पिकनिक के लिए कहां जाना चाहिए, वेयर शुड वी गो फॉर ए पिकनिक, यार मेनी प्लेसेस आर देयर, लेट मी थिंक या कह सकते हैं दोस्तों, दैट्स इट। कोई बात करते करते किसी ने कुछ जवाब दे दिया, कुछ एग्जांपल दिया वाले, दैट्स इट, अरे बिल्कुल यही कह रहा था यार, दैट्स इट, यही था बिल्कुल, फिलर। 22, सो व्हाट, तो क्या, सो व्हाट, किसी ने जवाब दे दिया कि भैया देख मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सो व्हाट, तो क्या, आई कांट गो विथ यू टू वॉच अ मूवी, सो व्हाट, तो क्या, आप सामने से फिर से क्वेश्चन करो, सो व्हाट, तो क्या, ये कह सकते हैं ताकि वो फिर से जवाब देने को तैयार हो जाए। ये लगभग इसी के जैसे होगा, रिपीटेड क्वेश्चन के जैसे होगा, हाउ कैन यू से के जैसे होगा, सो व्हाट भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। इनफैक्ट, सचमुच में, इनफैक्ट, हकीकत में, इनफैक्ट, टुमारो इज हॉलीडे, और इनफैक्ट आई कैनॉट कम कोचिंग क्लासेस, आई कैन नॉट कम टू कोचिंग क्लासेस, आई विल नॉट टेक द क्लास, इनफैक्ट, सचमुच में, ऐसी बात कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े दोस्तों। 24, एक्चुअली भी एक है इसमें, एक्चुअली देखो मेरे मुझसे ज्यादा निकलता, मैं मोस्टली वाला वर्ड यूज करता हूँ करके, एक्चुअली कभी आप लोग बना सकते हैं, एक्चुअली इंग्लिश इज एन इम्पॉर्टेंट, सर वाई शुड वी लर्न इंग्लिश, किसने मुझसे क्वेश्चन किया, वाई शुड वी लर्न इंग्लिश, आप कह सकते हैं एक्चुअली यू नो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो एवरीबडी इज लर्निंग, और इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रेस द पीपल, इफ यू वॉन्ट टू गिव इम्प्रेशन, इफ यू वॉन्ट टू लीव इम्प्रेशन ऑन द पीपल, सो यू शुड लर्न इंग्लिश, एक्चुअली इसे हमने चालू किया, और भी हो सकते हैं, ऑल राइट, किसी की बात को सही ठहराने के लिए आप कह सकते हैं ऑल राइट, बिल्कुल सही का, यही मैं चाह रहा था कहने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ फिलर्स थे जो मैंने आपको बताया, तो फिलर्स इंग्लिश में कोई फिक्स नहीं है, फिलर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली फिलर्स हम लोग यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने कुछ गिने चुने फिलर्स ले आया मैंने, और भी हो सकते हैं दोस्तों, और भी बहुत सारे फिलर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं तो आपसे चाहूंगा कि आपके दिमाग से, आपके मन से जो नेचुरल फिलर आ रहा है, वही फिलर इंपॉर्टेंट होता है स्पीकिंग करने के लिए, लेकिन अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, उसको फ्लुएंटली बोलने के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जब खड़े होते हैं, जब हजारों लोग आपके सामने बैठे हैं, काफी लोग बैठे हैं, प्रेस्टिजियस पीपल आर सिटिंग बिफोर यू, गुड लिसनर्स आर सिटिंग बिफोर यू, दैट टाइम यू शुड अवॉइड द फिलर्स, that time you should prepare yourself well before going to the stage, before going to the podium. First of all, you just prepare yourself. सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करें, mental note बना लीजिए और वहां जाइए, फिर बोलने की कोशिश करें, तो मुझे उम्मीद है आपके दिमाग में fillers नहीं आएंगे। Fillers normal बातचीत जो हम लोग करते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्लास में, वहां पर चल जाएगा, जानबूझ के फिलर लाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स के मुझसे मैंने सुना है, यू नो यू सी, ये सब करते रहते हैं दोस्तों। वी हैव टू अवॉइड फिलर्स व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी, ऑन पर्पस, जानबूझकर वी शुड नेवर यूज द फिलर्स। बट अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए जब याद नहीं आ रहा तो क्या मजबूरी में करना ही पड़ेगा, बट ऑन पर्पस या पर्पसली हमें नहीं करना चाहिए, जानबूझ के नहीं करना चाहिए। तो पब्लिक स्पीकिंग में प्रेजेंटेशन देते समय हमें बचना चाहिए फिलर्स का यूज करते समय। तो मुझे उम्मीद है, मैं माय डियर फ्रेंड्स मुकेश और भी व्यूअर्स ने मुझसे क्वेश्चन किया था फिलर्स के बारे में, मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था
कि फिलर्स का एक वीडियो बनाना चाहिए। आज मुझे वो समय मिल गया, काफी देर से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, मैं बहुत देर से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक काफी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो दोस्तों ये सारे फिलर्स मैं तो आपसे चाहूंगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसको याद करें, इसको ध्यान रखें, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग करते समय आप रुक ना जाए, आप चुप ना हो जाए, आप निरुत्तर ना हो जाए, आप स्पीचलेस ना हो जाए। बस आपको बोलना है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, इसलिए फिलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों धन्यवाद मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और आपको वीडियो दोस्तों अच्छा ही लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और लाइक तो दोस्तों आप करेंगे करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा वीडियो बना है ये, है ना। मुझे अच्छा लग रहा है तो आपको लगेगा। हाँ, मेरी चीज मुझे तो अच्छा लगेगा। और दोस्तों, और अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोग के साथ। धन्यवाद दोस्तों, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि कमेंट बॉक्स में लिखना बंद ना करें, प्लीज कीप ऑन राइटिंग देयर। नए नए डाउट्स के बारे में पूछे, टॉपिक्स के बारे में पूछे, उसका वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और अभी पिछले कुछ दिनों में आपने ध्यान दिया होगा कि मैं वीडियो बना भी रहा हूं और आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय भी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों, जाने दीजिए, रात हो गई है बहुत। या थैंक यू।